का सवाल हम तक आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ये होल्ड कर रहे हैं 1000 शेयर 150 के भाव से। 150 के भाव से वहाँ से देखे तो काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी। स्टॉक धोनी जी आपके पास आना चाहूँगा। स्टॉक ऑलरेडी गिर तो चुका है, लेकिन जो लेवल पे है जून महीने में यहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी आई थी। यहाँ पे थोड़ा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर और गिरेगा यहाँ से? अंश डेफिनेटली एक रिकवरी हमने प्रीवियस चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में देखी थी इन्हीं लेवल्स के पास। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो वहां पे स्टॉक ने अपनी 50 EMA को टेस्ट करा था वीकलीज पे, और उसके बाद वो हमें खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि अभी जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, क्योंकि वीकलीज पे वो जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, और इसके बाद स्टॉक जो है वो फर्दर यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है, जहाँ पे वापस से हम 118-119 के लेवल्स को टेस्ट करेंगे। और ओवरऑल मेटल्स को भी अगर हम देख रहे हैं, जहाँ पे वेदांता जैसे काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो मेटल पैक यहाँ पे वीक लग रहा है। और स्पेशली जहाँ पे स्टील अथॉरिटी की बात है तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है, एग्जिट की ही सलाह रहेगी। सलाह यहाँ पे दी जा रही है। लाइव कॉलर ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पे मानस मंडल जुड़ चुके हैं। मानस जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने हिंदुस्तान कॉपर में 30 शेयर बाय कर रखे हैं और BTSC में 30 शेयर बाय कर रखे हैं। नहीं, आपकी बाइंग प्राइस क्या है हिंदुस्तान कॉपर में सर? 324। 324, राइट? हाँ। और इसमें और कितना समय आपको देना है? और 1 महीना, हाँ, एक महीने एक से दो महीना महीने और, ठीक है हाँ आयुष, एक महीने का नज़रिया है। ताज़ा जो हमें मेटल स्टॉक्स या ब्रॉडर मार्केट और ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, उसका असर तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम तिमाही नतीजों की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट लगभग 6% के आसपास, रेवेन्यू यहाँ पर 30% हमने ऊपर आता हुआ देखा है। ओवरऑल एक महीने का इनका व्यू है। बाइंग प्राइस फिलहाल जो मार्केट प्राइस है उसके तो काफ़ी ऊपर है। बताइए क्या करना चाहिए इनको? हिंदुस्तान कॉपर की यहाँ पे बात करें तो अपने 20-day मूविंग एवरेज का सपोर्ट आज स्टॉक ने लिया हुआ है और एक इनसाइड कैंडल पे है ट्रेड कर रहा है, जिसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आता है 295 का। अगर 295 ब्रेक करते हो तो डेफिनेटली स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है इसमें 350 तक के लेवल्स आ सकते हैं 1 महीने में विद रिस्पेक्ट टू, अगर मार्केट में यहाँ पे अच्छी वापस रैली शुरू होती है तो। कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, नमस्कार जी। बताइए सर किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? तो मेरे इंडस टावर है, मेरे पास ओके 50 शेयर हैं, 214 के करीब भाव है, दो अरे साल वाह, 3 साल हो गए लिए हुए तो। बिल्कुल सर, मुनाफे के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। एक्चुअली अब भाई आजकल उनका बाई बैक का ऑफर आया हुआ है 1465 का, तो हाँ इज इट एडवाइजेबल टू गो फॉर दैट और शैल आई होल्ड? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्गर टाइम, नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा सवाल है। और आयुष बताइएगा क्या करना चाहिए इनको, बायबैक को लेके कंसिडर करना चाहिए? आई थिंक स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। बाय बैक के ऊपर मैं आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बट अगर टेक्निकली चार्ट्स की यहाँ पे बात करें तो इंडस टावर का चार्ट काफी पॉजिटिव है सारी टाइम फ्रेम्स पे, तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। मुझे मिनिमम टारगेट्स में 450 रुपीज तक के दिख रहे हैं इनिशियली।